फेरुल प्रिंटिंग मशीन की। फेरुल प्रिंटिंग मशीन होता क्या है? नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम केबल को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसमें टैगिंग लगाई जाती है कि ये केबल का आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, केबल का साइज होता है, केबल कोर में हम इसे घुसा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसको प्रिंटेड कर देते हैं कि इसका ये सोर्स कहाँ से होता है और ये इसका रिसीविंग टर्मिनल से एंड कहाँ पर है। उसका भी एक लॉजिक होता है, पर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि ये प्रिंट कैसे करता है। ये आपको एक किट दिखाई दे रही है, ये स्पेशली फेरुल प्रिंटिंग मशीन है। फेरुल प्रिंटिंग मशीन में आप देखेंगे, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, ये आपका केबल है, कोर है, ठीक है, ये कोर है वाइट कलर का, ठीक है, और ये आपका फेरुल है, जो फेरुल में जो गांठ बांध कर फेरुल है, फेरुल में हमने यहाँ पर इसमें डाल के रखा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप इस जस्ट में मैं आपको ओपन कर देता हूँ, आपको जैसे पता चल जाएगी। जैसे इस फेरुल में आप देखोगे 70T आउट कोल फ्लो LCP A, मतलब ये जो है जो आउट फ्लो LCP A का 70 नंबर टर्मिनल से आ रहा है और लोकल फ्लो LCP B के में इन हो रहा है, वो है TB का इन में 50 नंबर पे जा रहा है। दोनों से आप ट्रेस कर सकते हो कभी इस केबल में कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो कहाँ से आ रही है। अभी LCP की प्रिंटिंग इतनी फैंसी से काम कैसे करता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पेशल मटेरियल होता है जो आपका, ये देखिए स्पेशल मटेरियल जो थोड़ा सा वाइट होती है, ये आपके तरीके से ना कागज़ होती है ना प्लास्टिक, प्लास्टिक का ये PVC का होता है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ डालते हैं, ये अरेंजमेंट डाल सकते हैं, ये देखिए इसको इस तरीके से फिट किया जाता है, फिट करके यहाँ डाला जाता है। ये कार्बन का रिबन होता है जिसमें कारण उस पर कार्बन रिबन जिसमें पंच करता है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं टाइट के लिए, फिर यहाँ से प्रेस कर सकते हैं जो करने के लिए, हाफ कट के लिए कटिंग करेंगे आप कट करने के यहाँ से कर सकते हैं तो कट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, सपोर्ट जैसे मान लो आपने कुछ चीज़ आपको टाइप करनी है तो आप यहाँ से जो कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स में आप जैसे जैसे लिखना है उस हिसाब से आपके पर्टिकुलर हिसाब से आप लिख सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, स्पेस डाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इवन आपको लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपका दिया रहता है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही काम कम्प्लीट होता है फेरुल हमारा बन जाता है। फेरुल बनने के बाद आप देखेंगे फेरुल लाइक इस तरीके से होता है, ठीक है, फेरुल मशीन प्रिंट में, और ये काफ़ी ईजी होता है। एक हम एग्जांपल बताते हैं जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये टैग लगी कि केबल किस पैनल में आ रही है, अब किस पैनल से किस टर्मिनल में आ रही है वो आपको पता चलेगा इस फेरुल की डिटेल्स। जैसे ये पतलू देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर फेरुल यहाँ से आ रहा है, तो काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप चीज़ें इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, ट्रेस आउट के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे अगर पैनल इसके बिना हम केबल को ट्रेस करना नथिंग टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। गुड इक्विपमेंट, गुड अच्छा प्रैक्टिस हमेशा होना चाहिए, आप सब ध्यान रखिए, ठीक।